हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि सुई में हम इजीली धागा कैसे डाल सकते हैं। सुई में धागा डालना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, स्पेशली उनके लिए जिनकी आंखें कमज़ोर होती है, उनको ये काम बहुत ही मुश्किल लगता है। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ एक आसान ट्रिक, जिसका इस्तेमाल करने से आप सुई में धागा कुछ सेकेंड्स में डाल सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, इसका आपको जरूर उपयोग होगा। यहाँ पे हमने ब्लैक कलर का धागा और एक छोटे साइज की और बड़े साइज की नीडल यानी कि सुई ली है। इस ब्लैक कलर के धागे को मैंने ऐसे हाथ पे रखा है और एक्स्ट्रा धागा हमने आगे छोड़ा है, और जो नीडल का होल पॉइंट होता है, इस होल से हमें इस धागे के ऊपर रब करते जाना है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इस होल से धागे के ऊपर रब करेंगे, जितना आप रब करेंगे उतना ही धागा इस होल के अंदर आएगा, और आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से इस होल के अंदर ये धागा गया है, और कुछ सेकेंड्स में ही हमने इस नीडल में ये धागा डाल दिया है। ये सुई मिडल साइज की थी। ऐसे ही सेम प्रोसेस से आप जो छोटे साइज की या सबसे स्मॉल साइज की जो सुई होती है, उसमें भी सेम ऐसे प्रोसेस से धागा डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने सबसे छोटे साइज की सुई ले ली है और इसे भी सेम इसी धागे के ऊपर हम रब करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ सेकेंड्स में ही इस होल में ये धागा रब करने से चला जाता है। आप जितना इसके ऊपर रब करेंगे उतना ही धागा इस सुई में चला जाता है। ये देखिए कितने आसान तरीके से इस छोटे साइज की सुई में भी ये धागा चला गया है। मैं एक बार फिर आपको ये प्रोसेस करके दिखा रही हूँ। इसके लिए आप हाथ हमेशा स्ट्रेच करके रखें, ताकि जब हम इस थ्रेड पे रब करें तो ये इजीली इस नीडल के होल के अंदर जाए। फ्रेंड्स, तो देखा आपने इस सबसे छोटे साइज की सुई में भी कितनी आसान तरीके से ये धागा जा रहा है। तो देखा फ्रेंड्स, सुई में धागा डालने का काम अब कितना आसान हो गया। इस वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका फायदा जरूर हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आज की ट्रिक पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और कुछ ऐसे ही खास टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।